नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। ईद मिलादुल नबी बृहस्पतिवार को अकीदत एहतराम व सादगी के साथ मनाई गई। ईद मिलादुल नबी व जुलूस ए मोहम्मदी की तैयारियां एक दिन पहले से ही पूरी हो चुकी थीं। सुबह शहर की तमाम मस्जिदों में परचम कुशाई झंडा रोहण की रस्म परंपरा के अनुसार अदा की गई। परचम कुशाई के बाद विभिन्न मोहल्लों से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इसका सिलसिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक व रात 10:30 बजे से भोर तक जारी रहेगा। घंटाघर और नखास चौक जुलूसों का केंद्र बना रहा। हर मुस्लिम बहुल मोहल्ले में ईद मिलादुल नबी की महफिलें व जलसे किए गए। ईद मिलादुल नबी को लेकर मस्जिदों, दरगाहों, घरों को फूलों, लाइटों, इस्लामी झंडों, गुब्बारों से सजाया गया था। इस अवसर पर विभिन्न तरह की झांकियां, घोड़े की सवारी के साथ बड़े और बच्चे अपने हाथों में लिए इस्लामी झंडों के साथ नजर आए। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल्ला, ये जलूस मोहम्मदी का जलूस जो है सुबह 6 बजे से और 1 बजे दिन तक आप प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे और 1 बजे के बाद हमारे सारे जलूस बंद हो जाएंगे। जो रात के जलूस हैं वो 10:30 बजे रात से हम लोग शुरू करेंगे और सुबह फजर की नमाज तक इंशाल्लाह जलूस मोहम्मदी निकलेगा। ये जलूस ईद मोहम्मदी जलूस है, ये मोहल्ला धम्माल नौजवान कमेटी जामा मस्जिद पूरा फाटक के हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही शान और शौकत के साथ निकाला जा रहा है। हर साल निकलता है? जी जी। कहाँ तक जाएगा ये आपका? न ये साहबगंज होते हुए, लाडलिक्की होते हुए घंटाघर, घंटाघर से जामा मस्जिद, इसकी याद में निकलता है। ये मोहम्मद साहब के पैदाइश की याद में निकाला जाता है।